दिवाली के मौके पर घर में मिट्टी के जलते दिए चार चांद लगाते हैं, लेकिन इस बार दीपावली से पहले मिट्टी के दियो के खरीदार नदारद है। सजावटी दियो की खरीदारी को लेकर लोगों का रुझान ज्यादा है। बाजार में लाइट वाले तरह तरह के दियो की भरमार है, जिसके चलते मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक ओर जहां कोरोना के चलते कमाई में कमी आ गई, वहीं दूसरी ओर त्योहारों पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। बात कर रहे हैं इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के कुम्हार गली की, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों ने अपनी पीड़ा हमारे न्यूज चैनल रिपोर्टर को बताई। देश भर में एक तरफ कोरोना महामारी के चलते कई उद्योगों का नुकसान हुआ, वहीं भारत चीन विवाद की वजह से अब कुछ उद्योगों को फायदा भी पहुंचने वाला है। इंदौर के भागीरथपुरा स्थित कुम्हार कॉलोनी में मिट्टी के सामान बनाते हैं और ये काम यहां करीब 40 सालों से हो रहा है। मिट्टी के सामान का होलसेल के अलावा रिटेल बाजार भी है। प्रदेश के विभिन्न जगहों से लोग इस बार से सामान को खरीदते आते हैं। इस कॉलोनी में लगभग 100 परिवार रहते हैं और सभी से कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां तक रोशनी के इस पर्व का संबंध है, घरों में दीपोत्सव तो मनेगा ही, घरों में दिए तो जलेंगे ही। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार परिवारों को उम्मीद है कि ऐसे में भारत चीन विवाद और कोरोना संक्रमण के चलते व्यापार में एक बार फिर उठाव आएगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी हो सकती है। नाम बताइएगा। सुनील प्रजापत। सुनील जी, बताइए कि आपका ये पुश्तैनी काम है, अब इस बार कोरोना के चलते काफी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, तो कैसा रहेगा इस बार का आपका त्यौहार? साहब, इस बार का त्यौहार मद्दा रहेगा, क्योंकि एक महीना दिवाली ही बढ़ के उससे क्या है, कोरोना से धंधे पानी भी नहीं है, इस कारण यहाँ मद्दा है। अभी नवरात्रि भी मद्दी गई है और दीपावली भी जो करवा चौथ आ रही वो भी मद्दी है और दिवाली भी मद्दी रहेगी। तो इसके लिए आप अब दूसरा ये कहाँ से मिट्टी लेके आते हैं और क्या अभी कितना आपको बजट में गड़बड़ा रहा है हर साल की तुलना में? इस साल साहब 1,00,000 रुपये का घाटा हो गया पूरा पूरा। मिट्टी आती महंगी और माल सस्ता बिकता है, मिट्टी आती है महंगी। मिट्टी 10,000 रुपये की पड़ती है सीधे ट्रक, विष्णु तो गाँव से मंगवाते हैं हम। अभी बात की जाए सीजन की, तो हर साल सीजन में किस तरह की गिराकी रहती है, इस बार कितनी गिराकी आपकी कट गई है? इस बार सर बहुत कट गई हमारी गिराकी, सीजन में अच्छी गिराकी, अगले साल काफ़ी गिराकी थी, इस बार इतना गिराकी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि दिवाली का सीजन आ रहा है। मार्केट में POP और प्लास्टर का पेरिस और पिंक से जो ये बन रहे हैं उसकी तुलना में ये कितने सस्ते और क्या महंगे बता रहे हैं? ये सस्ते ही पड़ता है, POP महंगा पड़ता है। ममता जी, बताइए इस बार की तुलना में, हर साल की तुलना में इस बार क्या नई वैरायटी के आपने दिए बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं? बनाए ना, नई वैरायटी दिए बनाए हैं, मूर्तियाँ भी बन रही हैं, हर साल नई वैरायटी बनती है। तो इस बार आपका जो मूर्तियाँ और ये कोरोना के चलते कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा आपको? अभी जैसे कोरोना के चलते तो धंधे में कोई उठाव है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ चल ही नहीं रहा। जो हमारे हर साल के व्यापारी है वो अब के बार अभी तक आए ही नहीं है। तो घर चलाने में आपको कैसी मुश्किल हो रही है? अभी मुश्किलें तो आ रही है, जो हमारा जैसे कूलर का है 12 महीने चाय के कूलर जाते हैं, तो अभी लॉकडाउन की इनकी वजह से हमारा वो भी बंद पड़ा रहेगा। अब जो भी चल रहा है हमारा इसी पर चल रहा है। कहाँ से आप मिट्टी लेके आते हैं? मिट्टी तो वैष्णवदा से आती है, उसमें भी हम कम से कम 6,000 रुपये का डंपर पड़ पाता है हमको। और आपका इंदौर में किस चीज़ क्षेत्र में आपका ये मूर्ति और कलर जाते हैं? हमारे यहाँ इंदौर में जो गांधीनगर है और बॉम्बे हॉस्पिटल है, नेपानिया गांव है, यहाँ तक के जाते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल